रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में श्रद्धा और रणबीर की जोड़ी पहली बार नजर आई है। ट्रेलर में दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री को देखते हुए लोग इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। कल यानी 8 मार्च को फिल्म रिलीज हुई और आज फिल्म के पहले दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। माना जा रहा था कि फिल्म पठान के बाद दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित होगी। इस फिल्म ने पहले ही दिन 14 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। लव रंजन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को कई राज्यों में त्योहार का बड़ा फायदा मिला है। देश में इस बार अलग अलग राज्यों में मंगलवार और बुधवार दोनों दिन होली मनाई गई है। त्योहार के दिन व्यवस्था के कारण जहां फिल्म के मॉर्निंग शोज में भीड़ कम दिखी, वहीं दोपहर और इवनिंग शोज में सिनेमा घरों में बाहर लंबी कतार देखने को मिली। तू झूठी मैं मक्कार ने ओपनिंग डे पर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 को पछाड़ दिया है। भूल भुलैया 2 ने ओपनिंग डे पर 13.41 करोड़ रुपए कमाए थे। तू झूठी मैं मक्कार एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। आमतौर पर सिनेमा के इस जॉनर को खूब पसंद भी किया जाता है। इस साल सिनेमा घरों में कहने को तो कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। सभी फिल्में बड़े स्टार्स की रही, मगर शाहरुख खान की पठान के अलावा कोई फिल्म दर्शकों की निगाहों में ठहर नहीं पाई थी। पठान की रिलीज के करीब 1.5 महीने बाद एक ऐसी फिल्म ने दस्तक दी है जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। नाम है तू झूठी मैं मक्कार। लंबे वक्त से सिनेमा के शौकीनों की एक शिकायत रहती है कि अब परिवार के साथ देखने लायक फिल्में नहीं बनती। ऐसे में ये फिल्म इस शिकायत को भी दूर करती है। ये जबरदस्त फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म बताई जा रही है।